हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। नवरात्र और आर्थिक मंदी की हालत में सब्जियां लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। पहले के मुकाबले सब्जियों के दाम दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं, जिस वजह से लोगों की रसोई का बजट बिगड़ रहा है। रिपोर्ट देखें। कोरोना महामारी की वजह से लोगों की आर्थिक हालत पहले से ही खराब चल रही थी कि ऊपर से सब्जियों के बढ़ते दामों ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। हरियाणा न्यूज की टीम जब अंबाला की सब्जी मंडी पहुंची तो देखा कि लोगों का दर्द छलक आया है। लोगों ने बताया कि प्याज हर आदमी की रोजमर्रा की जरूरत में शामिल है। इसका भाव बढ़ने से सभी वर्गों के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं, जिसका असर घरेलू जीवन पर पड़ रहा है। ग्राहकों का साफ कहना है कि प्याज अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। बहुत महंगा है, नहीं खा सकते लोग, गरीब लोग ने। चलो नौकरियों वाले तो खा लेंगे, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वो कहाँ से खाएंगे। 300 के 5 किलो टमाटर 50 रुपए किलो। देखो, हर चीज महंगी होगी। प्याज ने तो एकदम ही मतलब महंगाई कर दी। गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा, इतनी महंगाई हो रही है। सरकार को चाहिए भी इस तरफ ध्यान दे और सभी चीजों पे मतलब कंट्रोल पाए। आसमान पर सब्जियों के दाम, टमाटर 50 रुपए किलो, आलू 40 रुपए किलो, मटर 130 रुपए किलो, प्याज 60 रुपए किलो। प्याज के बड़े दामों को लेकर हरियाणा न्यूज की टीम ने जब दुकानदारों से बातचीत की तो उन्होंने भी बड़े दामों को लेकर अपनी परेशानी जाहिर की। उन्होंने बताया कि हमें प्याज के रेट ग्राहक को बताने में डर लगता है। जो लोग पहले 5-5 किलो प्याज खरीदते थे, वो सिर्फ आधा किलो या 1 किलो प्याज ले जाकर ही गुजारा कर रहे हैं। रेट तो सर इस टाइम पे सब्जियों के रेट आसमान को छू रहे हैं और ग्राहक मतलब घर से थाला लेके आते हैं और खाली वापस जाते हैं। बस इतना प्रॉब्लम आ रहा है सबको। दोनों ही परेशान है, दुकानदार भी परेशान है और ग्राहक भी परेशान है। ग्राहक के लिए महंगाई बहुत ज्यादा और दुकानदार का बिकता कुछ नहीं है। प्याज की बड़ी कीमतों के बारे में जब सब्जी मंडी के आढ़तियों से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 दिनों से प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है, जिसकी वजह पीछे से माल ना आना है। उनका कहना है कि कुछ दिनों में हालात खुद ठीक हो जाएंगे और प्याज की जो तेजी है वो नई फसल लेट होने के कारण, जो नई फसल अलवर वगैरह की आती थी वो लगभग 20 दिन महीना एक दिन मिला लेट हो गई है, जिसकी वजह से इसमें तेजी आई है और 15-20 दिन में कम होने का, जब तक नवी फसल नहीं आती तब तक यही है। बढ़ती महंगाई से आम जन का जीना मुहाल हो गया है। हालांकि आमतौर पर देखा गया है कि त्योहारी सीजन में अक्सर स्टॉक होने के चलते महंगाई बढ़ती है, लेकिन बीते महीनों से जारी कोरोना की समस्या के चलते लोगों की आर्थिक हालत लचर हुई है। ऊपर से सब्जियों की महंगाई ने उन्हें और ज्यादा परेशान कर दिया है। अंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता अनुप कुंडू जुड़े हैं, हिसार का बेहतर हाल बताएंगे। वहां पर कोरोना महामारी के बीच महंगाई किस तरह से लोगों को रुला रही है, कैसे किचन का बजट बिगड़ा लोगों का, सब्जियां यहां पर भी आसमान में, इनके दाम आसमान छू रही हैं क्या अनुप? हाँ बिल्कुल अनामिका जी, अब प्याज ने फिर से आंसू निकालने शुरू कर दिए हैं और नींबू ने लोगों के दांत इकट्ठे कर दिए। वहीं मिर्ची भी अपना रंग दिखा चुकी है। अगर हम हिसार की बात करें तो अब जो प्याज का रेट है वो दोबारा 300 रुपए किलो प्रति हो गया है। यहाँ पर आलू के रेट भी 50 से 60 रुपए किलो देखने को मिल रहे हैं। हरी मिर्च भी काफी तेजी है। जिस प्रकार से रसोई का बजट था वो डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। पहले जो रेट थे उनसे अब रेट दो गुना के करीब बढ़ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार ये जो महंगाई बढ़ रही है इससे आम जनजीवन बड़ा अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। जी अनामिका, तो क्या कह रहे हैं खरीदारी को लेकर, ये महंगाई क्यों हो रही है, इसके पीछे से सब्जियां कम आ रही हैं या हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि बारिश हुई हो, फसल खराब हो गई हो या ओले गिरे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ना ही बाढ़ आई, फिर ये सब्जियां इतनी महंगी पीछे से क्यों आ रही हैं या फिर इन्हें मंडियों में ही ज्यादा दामों पर बेचा जा रहा है या पाव एक में ही संतुष्ट हो रहे हैं क्योंकि इतनी महंगी
जो रेट जिस प्रकार से हब है, कहीं न कहीं उन लोगों को काफी जेब ढीली करनी पड़ रही है जी। नहीं, मैं महंगाई के पीछे का रीजन जानना चाह रही हूँ अनूप। ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ जाना, ट्रांसपोर्टेशन में जो ईंधन है उसका ज्यादा, उसकी कीमत ज्यादा होना, या क्या वजह है? मैंने बारिश नहीं देखी अभी हाल फिलहाल, मैंने सब्जियों की फसल खराब होते हुए नहीं देखी अभी हाल फिलहाल, ना किसी तरह की बाढ़ आई, ना ओले पड़े, तो फिर ये सब्जियां इतने, इनके दाम जो है वो आसमान तक कैसे? देखिए अनामिका जी, इसमें सबसे पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो स्टॉक के, जहाँ जहाँ लोग स्टॉक करना शुरू कर देते हैं तो इसका जो माल है बाजार में काम आना शुरू हो जाता है। बड़े स्टॉकिस्ट से लेकर के और जो छोटे छोटे शहरों में जो बैठे हैं वो भी धीरे धीरे स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। अगर उत्पाद जो है बाजार में नहीं आएगा, जो आलू है, प्याज है, तो जाहिर है कि उसकी मांग बढ़ेगी और लोग इस इंतजार में रहते हैं कि वो स्टॉक करें और उसकी मांग बढ़े और मांग बढ़ने के बाद वो निकाले। हालांकि पहले एक कानून था जो कालाबाजारी के नाम से था, जिसमें अगर कोई आवश्यकता से अधिक स्टॉक करता था तो उस पर इस प्रकार की कार्रवाई की जाती थी, लेकिन जो 3 नए अध्यादेश लागू किए गए शायद उनसे लोग पहले ही प्रभावित हो चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि वो अगर ज्यादा से ज्यादा स्टॉक करेंगे तो भी उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी, यही एक बड़ा कारण सामने आ रहा है। हमने बीते दिनों ये देखा था कि जो लोग आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को स्टॉक करके रख रहे हैं, थोड़ा बहुत स्टॉक करना है जरूरी है वो समझ में आता है, लेकिन आप मांग चढ़ाने के लिए, मांग बढ़ाने के लिए, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई ज्यादा होगा और वहां पर आप कीमत वसूलेंगे और चांदी कूटेंगे, इसे अवैध करार दिया गया। और हमने देखा कि सीएम फ्लाइंग की टीम खुद छापेमारी कर रही थी और ऐसे स्टॉक करने वालों को पकड़ा जा रहा था और जो चीजें उन्होंने स्टॉक की वो भी वहां से बरामद किया जा रहा था। क्या अभी ये टीम बीच में सुस्त आपको दिख रही है इस मामले को लेकर? दूसरी तरफ ज्यादा ध्यान है क्या मिष्ठान भंडारों की तरफ त्योहारी सीजन में? या आपने 3 कृषि कानूनों का जिक्र किया, उसके तहत पूरा का पूरा ही माल जो है वो स्टॉक कर लिया जा रहा है और इस वजह से महंगाई बढ़ी है? थोड़ा और विस्तार में मैं अनुप समझना चाह रही हूं कि आखिर ये महंगाई आई तो आई कैसे? सरकार ने तो कहा था कि 3 कृषि कानूनों से सबका भला होगा, या तो ग्राहक परेशान हो गए हैं अगर ये उन कानूनों के तहत स्टॉक किया जा रहा है तो। बिल्कुल अनामिका जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस प्रकार से 3 कानून जो लागू किए गए हैं उससे लोगों को, जो छोटे व्यापारी हैं उनके अलावा जो बड़े स्टॉकिस्ट हैं उनको सबको पता चल चुका है कि इस कानून में क्या है। अब वो धीरे धीरे उन चीजों को स्टॉक करना शुरू कर चुके हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं की चीजें हैं, सब्जी है, तो धीरे धीरे जब उन्होंने अपने लेवल पर स्टॉक करना शुरू किया है तो उसका जो उत्पाद था ये बाजार में नहीं आ पा रहा, ये मुख्य कारण है। और अब त्यौहार का सीजन भी है, त्यौहार पे वैसे आम त्यौहार जब आते हैं तो कुछ रेट बढ़ते हैं, लेकिन इस बार ये जो 3 अध्यादेश लागू किए गए हैं इनका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब जो फसल किसानों की आई थी पहले, चाहे वो प्याज की है चाहे आलू की है, तो वो उन्होंने बाजार में दे दी, लेकिन अब बाजार के लोगों को अच्छी तरह से पता चल चुका है जो बड़े स्टॉकिस्ट हैं कि वो इसको कुछ दिन के लिए स्टॉक कर लेंगे तो और अच्छा भाव इनको मिल सकता है। और जिस प्रकार से कार्रवाई की बात है, कार्रवाई पहले होती थी, टीम छापामारी करती थी, अगर किसी के पास आवश्यकता से अधिक स्टॉक मिलता था तो उसके गोदाउन को सील कर दिया जाता था, लेकिन फिलहाल इस प्रकार की कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही कि टीमें एक्टिव हों और वो जाकर के चेक करें कि कहां गोदाउन में माल अधिक रखा गया है। और लेकर तमाम मिष्ठान भंडारों, तमाम हलवाइयों के यहाँ सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंच रही है, ताबड़तोड़ हम छापेमारी भी देख रहे हैं, लेकिन ये दूसरी तरफ अगर गलत तरीके से स्टॉक किया जाने लगा और लोगों को बेवजह ही सब्जियां महंगी मिलेंगी तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है, यहाँ पर भी एक्शन होना चाहिए। और यहाँ विभाग क्या कर रहा है ये जानने के लिए मैं लौटूंगी। बहरहाल हिसार से आप लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं अनूप, मैं चाहूंगी अगर आप सब्जी मंडी या फ्रूट या फल सब्जी मार्केट के पास हैं तो आप वहां पर कुछ लोगों से जरा बात कीजिए, पूछिए उनसे कि महंगाई डायन उन्हें किस तरह से परेशान कर रही है, अगर लोग आपकी पहुंच तक वहां पर है तो। मैं लौट रही हूं, जरा अंबाला का हाल जान लूं। राजकुमार शर्मा हमारे साथ वो लाइन के जरिए जुड़े हैं। राजकुमार, महंगाई ने अंबाला में लोगों को कैसे परेशान किया? राजकुमार फोन पर हैं क्या आप? दोबारा जोड़िए इन्हें, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। मैं वापस लौट रही हूं अनूप आपके पास। सुखबीर हमारे साथ जुड़े हैं, सुखबीर हुडा मार्केट एक्सपर्ट है ये। सुखबीर जी नमस्कार, बहुत स्वागत है रड़ा न्यूज पर। नमस्कार सर, आप महंगाई को लोगों को परेशान करते हुए जरूर देख रहे होंगे, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए मैडम, जहाँ तक ये महंगाई की बात है, इसके अंदर सरकार की प्लानिंग है वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं है।
बिल्कुल भी सरकार हाथ पे आकर के बैठी है, वो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है। आप किस प्लानिंग की बात कर रहे हैं? हेलो जी सुखबीर जी, मैं आप ही से पूछ रही हूँ, आप किस प्लानिंग की बात कर रहे हैं? देखिए हर चीज का ग्राफ होता है, आपको आपको पता होता है की ज्यादा रिक्वायरमेंट आने पर कौन सी सब्जियां चलती है, मार्केटिंग कमेटी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है उनको कंट्रोल किया जाता है, इम्पोर्ट को कंट्रोल किया जाता है, एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया जाता है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखे तभी प्लान किया जाता है। चलिए बहुत शुक्रिया, हालांकि बहुत कट कट के आपकी आवाज आ रही है, नहीं तो दो चार सवाल और थे मेरे पास आपके लिए। मैं अनुप आपके पास लौट रही हूँ, क्या कुछ लोगों से बातचीत संभव है महंगाई को लेकर? जी नहीं अनामिका जी, फिलहाल तो हम बाजार से थोड़ी सी दूरी पर हैं, लेकिन इसके लिए हम जरूर आएंगे। सब्जी मंडी में आपने दुकानदारों से बात की होगी, उनका क्या कहना था, वो क्यों इतनी महंगी सब्जियां बेच रहे हैं? क्रेता है छोटे रेडी वाले या छोटे दुकानदार हैं, उनका कहना है कि जब वो मंडी में माल लेने के लिए जाते हैं तो माल उन्हें कम मिलता है, और जब हमने उनसे पूछा कि इतना माल कम क्यों आ रहा है तो उनका सीधा सा जवाब था कि पीछे से माल स्टॉक किया जा रहा है, और जिसकी वजह से वो इतनी मात्रा में ही माल मार्केट में निकालते हैं जिसकी आवश्यकता से कम पूर्ति हो, तो इससे भाव बढ़ता है। और दूसरी बात अनामिका जी, जो अभी आपने कहा कि जो मिठाई की बात है और सब्जी की, दोनों अलग अलग बातें हैं। मिठाई की छापामारी हो रही है क्योंकि उसमें नकली मावा नकली। चलिए अनुप, मैं चाहूंगी कि कुछ लोगों से बातचीत अगर आप हमें पहुंचा सके, आप स्टोरी कवर कीजिए सब्जी मंडी में जाकर, और वहां पर खरीदार और दुकानदार क्या कह रहे हैं वो हम तक पहुंचाइए। बहुत जरूरी है कि आप और हम, हमें तो पता है कि हम सब्जियां खरीदने जा रहे हैं तो किलो नहीं भाव पूछते हैं, उसका तो पाव में पूछते हैं, और पाव भर ही लेकर आ रहे हैं। अब कल ऐसा ना हो कि सब्जियां जो हमारी थाली से गायब हो जाएं, तो ये स्थिति ना पनपे इसके लिए कोशिश करनी होगी। उसके लिए पहले यहां से सवाल जवाब लेने होंगे, फिर सरकार तक लेकर जाना होगा, ये एक पूरी प्रक्रिया है। तो आप इस स्टोरी को प्रॉपर तरीके से एक बार सब्जी मंडी में जाइए, अभी आपके पीछे बहुत तेज गाड़ियों का जो शोर है वो सुनने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो कोरोना ने सताया और इस बीच महंगाई ने रुलाया, कैसे इम्यून को बूस्ट करें? जो चीजें इम्यून को बूस्टअप करने वाली हैं वो तो बहुत महंगी मिल रही हैं। पहले से ही कोरोना काल में आर्थिक तंगी के शिकार हो चुके हैं लोग, जेब में एक दो किलो सब्जी खरीदने के पैसे नहीं हैं। ऐसे में वो एक दो किलो सब्जी के दाम भी अगर आसमान छूने लगे तो फिर आप समझिए, सोचिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या खाएंगे, क्या घर लेकर जाएंगे। प्याज हो, टमाटर हो, मिर्ची हो, धनिया हो, ब्रोकली, ये तो ब्रोकली तो बहुत दूर की बात है, 350 रुपए किलो से कहीं ऊपर हो गया है। आपने अगर धनिया घर में नहीं उगाया है तो आप भूल जाइए कि आप बाजार से अगर 100 रुपए की सब्जी ले रहे हैं तो आपको कोई धनिया दे देगा फ्री में। फ्री में धनिया नहीं मिलने वाली, और अब 10-5 रुपए की भी नहीं मिलती है। ऐसे बात किया जाता है दुकानदार की तरफ से कि आपको इतना खरीदना है तो ही आप हमारे साथ खरीदारी कीजिए, नहीं तो आप कोई और दुकान देख लीजिए। ये जो है सब्जी मंडियों का हाल हो गया है कि सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं, आप चाह के भी बार्गेन नहीं कर सकते वहां पर, चूंकि वो खुद पीछे से जहां से माल लेकर आ रहे हैं बहुत कम ज्यादा दाम में लेकर आ रहे हैं, और फिर वो अपना मार्जिन रखकर आप तक पहुंचा रहे हैं, बेच रहे हैं। आम लोगों के हाथ से सब्जियां, उनके थाली से सब्जियां अब दूर होने लगी हैं। कोरोना के इस महामारी में कैसे लोग अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, अगर सब्जियां उनकी पहुंच से इतनी दूर हो जाएगी तो? वो जमाने गए, वो दिन लद गए जब आप 100-150 में सब्जियां एक थैला खरीद कर घर ले जा सकते थे, अब 1 या 2 किलो सब्जी आप ले पाएंगे और वो भी चुनिंदा। सब्जी मंडी प्रधान गुरुग्राम से महेश कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, हरियाणा न्यूज पर मैं स्वागत करती हूं। महंगाई के पीछे, सब्जियों के बढ़ते दाम के पीछे क्या वजह है सर? सब्जियों के दाम तो बढ़ने के कारण एक तो ये हो गया ना, वो अभी अपना लॉकडाउन लगा था उससे खेतियां सारी खराब हो गई थी, और अब खेतियां खराब होने के बाद दोबारा खेतियां चालू हुई है, तो उसके कारण एक तो मार्केट में उठाव नहीं था, मार्केट में उठाव नहीं है तो सब्जियां वैसे खराब हो गई। लॉकडाउन के बाद 5 अनलॉक हो गए, दूसरी फसल आ गई होगी अभी सब्जियों की, है क्या बात तो कर दूसरी फसल आने के बाद भी मैं मार्केट में उठाव तो नहीं बनाना, क्यों? क्योंकि कस्टमर सारी चीजें ओपन है, आप और मैं बाहर घूम रहे हैं, हम अपने स्कूल दफ्तर कॉलेज जा रहे हैं। मैम मंडियों में जो सब्जियां थी वो अब भी सड़ रही है, इतने ये हाल हो गया। कहाँ सड़ रही है जो? जी कहाँ से रही है, वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग स्टोर करके रख रहे हैं कहीं अलग से? नहीं, स्टॉक तो कहीं भी नहीं हो रहा, और अब जो नई सब्जियां आएंगी वो एक 10 या 15 दिन बाद सब्जियां, जो आलू प्याज की जो इस टाइम
ज्यादा तेजी बढ़ रही है वो आलू प्याज की बढ़ रही है। टमाटर की बढ़ रही है, धनिया की बढ़ रही है, ब्रोकली की बढ़ रही है, भिंडी की बढ़ रही है, मिर्ची की बढ़ रही है, सब्जियां भी। आप मंडी प्रधान है सर, खाली आलू प्याज के भाव नहीं बढ़े। सब्जियां तो बिल्कुल नहीं आ रही, सब्जियां लेट आने के कारण इसलिए ये महंगाई हो रही है। 10 या 15-20 दिन में सब्जियां डाउन हो जाएगी। 15-20 दिन में आवक में बढ़ोतरी देखेंगे हम, आवक में तेजी देखेंगे सब्जियों के? नहीं, सब्जियां तो हो ही रही है मैम, क्या करें, अब आ ही नहीं रही है। नहीं तो 10-15 दिनों में क्या मैजिक होगा वो तो मैं समझना चाह रही हूँ ना। क्योंकि आलू प्याज टमाटर ये राजस्थान वाला चल जाएगा। अच्छा जी, उससे चलने के कारण फिर अपने आप ही डाउन हो जाएगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आलू प्याज का नया स्टॉक 10-15 दिनों में आ जाएगा, आलू प्याज सस्ते होंगे तो हरी सब्जी अभी सस्ती हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक हरी सब्जी का सीजन ही सारा आ जाएगा फिर। सर ये मुझे ना इसके पीछे कोई बेस नहीं दिख रहा, आलू प्याज का तो समझ में आ रहा है लेकिन बाकी की सब्जियां सड़ रही हैं, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि आवक नहीं थी, आई ही नहीं सब्जियां, इसलिए सब्जियां महंगी हो गई। मैम रीजन ये होता है इस टाइम सब्जियां सड़ती ज्यादा हैं। अच्छा जी, सड़ाने के कारण जैसे हमारी नहीं, हमारी लोकल सब्जियां स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ, लोकल सब्जियां स्टार्ट होने के बाद सब्जियां अपने आप डाउन हो जाएंगी, और जो बाहर से सब्जियां आ रही हैं कुछ तो वैसी महंगी है और कुछ सड़ने के कारण महंगी हो जाती है। दिवाली में हम बना पाएंगे ना तरह तरह की सब्जियां? बिल्कुल बन जाएगी, क्योंकि 10-15 दिन बाद हमारी सब सारी सब्जियां लोकल स्टार्ट हो जाएगी। चलिए ये एक बहुत अच्छी बात कह दी आपने, एक बार और दोहरा दीजिए कि 10-15 दिनों में किस तरह से सब्जियां और कैसे सस्ती हो जाएंगी, और तकरीबन हम रेट में कितना कमी देखेंगे सर? रेट में मैम मेरे ख्याल से जो हरी सब्जियां है सारी हमारी लोकल है। हाँ, सब में आधा फर्क हो जाएगा, दुकानदार को भी बेनिफिट होगा और कस्टमरों को भी बेनिफिट होगा इसमें। चलिए बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद, और कहते उम्मीद पर दुनिया कायम है। आपने जो ये भरोसा दिया है ये बहुत जरूरी था लोगों के लिए कि 10-15 दिन तक कैसे भी किचन का बजट आप संभाल लीजिए, उसके बाद सब कुछ बजट में होने लगेगा। सतबीर हमारे संवाददाता जुड़ गए। सतबीर, आपके इलाके में किस तरह से महंगाई से लोग परेशान हैं? क्या वहां पर भी टमाटर और ज्यादा सुर्ख हो गई है? क्या वहां पर भी नींबू दांत को खट्टे कर रहा है? क्या वहां पर भी प्याज रुला रही है? बिल्कुल अनामिका, मैं टमाटर प्याज और इन सभी सब्जियों के अगर जिक्र करूं तो जो आसमान को छूने लगे हैं इनके दाम, और आज हर व्यक्ति इससे परेशान है, इसने रसोई का जायका बिगाड़ दिया है। जहां आलू आज 50 रुपए तक चला गया है, 50 से 60 तक चला गया है, प्याज के रेट भी आसमान छूने लगे हैं, टमाटर के रेट भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं, और हरी सब्जियां जो आज बहुत कम दामों में इस समय मिलने लग जाती हैं, लेकिन गोभी जो कि 80 से 100 रुपए तक बिक रही है, यानी मैं कह सकता हूं कि आम आदमी जो गरीब आदमी है वो सब्जी के का जायका नहीं चख पाएगा, ऐसे हालात अब पैदा हो गए हैं। बिल्कुल, मंडी प्रधान अभी हमारे साथ जुड़े थे सतबीर, वो कह रहे हैं कि इन दिनों सब्जियां सड़ जाती हैं ज्यादा, इसलिए उनकी मात्रा जो है वो कम हो जाती है, इसलिए महंगे दामों पर बेची जाती है, यही वजह है। या जैसे कि अनुप कुंडू हिसार से बता रहे थे कि पीछे से स्टॉक कर लिया गया है सब्जियों को और बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो दुकानदारों को दिया जा रहा है, मंडियों में उतारा जा रहा है, इसलिए महंगाई है। देखिए अनामिका, जो सब्जी उत्पादक किसान है आज भी उसको दाम नहीं मिल रहे हैं, ये जो बिचौलिए हैं ना ये कहीं ना कहीं दाम का बढ़ाते हैं, और आज भी जो किसान है, जैसे मैंने सुबह मंडी का दौरा किया था तो वहाँ पालक के रेट बहुत कम जमींदारों को मिल रहे थे, और जो वहाँ से लेते ही जैसे दुकानदार के पास रेडी वाले के पास पहुँचती है तो उसके 2 से 3 गुना दाम बढ़ जाते हैं। तो ये दाम में सब्जी में जो वास्तव में अगर उत्पादक को दाम मिले फिर तो हम ये कहेंगे कि इसके लाभ कहीं ना कहीं मिल रहा है, और कोई पीड़ित है तो कहीं ना कहीं लाभ भी मिल रहा है, लेकिन ये बिचौलिए जो है वो बहुत नुकसान कर रहे हैं। इसी वजह से पहले भी सरकार ने बिचौलियों के लिए काफी कदम उठाए थे, जिसमें आलू प्याज टमाटर 3-4 चीजों सब्जियां जो है उनके पूरा फिक्स दाम रखा था कि इस दाम से यदि नीचे जाएंगे तो उसको गवर्नमेंट वहन करेगी। बिल्कुल, मैं इसी पर आ रही थी सतबीर, मैं इसी पर आ रही थी कि कुछ एक सब्जियां जैसे आलू प्याज टमाटर गोभी भी है, फूल गोभी जो 80 से 90 रुपए और कहीं कहीं पे 100-110 रुपए किलो भी बिक रही है, अगर कहीं पर आपने कहा कि उत्पादक को आज भी दाम नहीं मिल रहे, अगर कहीं पर उत्पादक को दाम नहीं मिल रहा है तो भावांतर भरपाई योजना के तहत सरकार जो भी गैप है, जैसे अगर 30 रुपए मिले हैं उत्पादक को और बेचा जा रहा है 90 रुपए में, तो वो 60 रुपए जो है वो देगी सरकार भावांतर भरपाई योजना के तहत, ताकि उत्पादक का नुकसान ना हो। तो भरपाई योजना तो आज भी है, उत्पादक का नुकसान वहां पर सरकार वहन कर रही है, लेकिन कस्टमर कहां जाए, वो किससे कहे कि 90 रुपए किलो गोभी नहीं खरीद सकता?
देखिए अनामिका बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल जो सरकार है ना उसके और उसकी जो योजना है वो कहीं असर नजर नहीं आ रहा है उसका। जो वास्तव में अब भी किसान है उसको कुछ नहीं मिल पा रहा है, उसको आधे दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं, और इसी प्रकार से जो खरीदार है उसकी जेब काटी जा रही है, वो खरीद नहीं पाता है। तो ये जो सरकार की योजना की कमी कहेंगे, ये विफलता कहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा अंतर जो है ना वो कहीं ना कहीं हर आदमी के दिमाग को कचोटता है, उस पे अटैक करता है, क्योंकि दिमाग को कचोटे ना कचोटे स्वाद को जरूर फीका कर दिया है और स्वाद को खराब कर दिया है। थाली से सब्जियां गायब हो गई है, दालें पहले से महंगी हैं, खाएं तो क्या खाएं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, कुछ अच्छा अपडेट मिले तो, चूंकि मंडी प्रधान ने तो कहा कि 10-12 दिनों में आवक में तेजी हो जाएगी, हमारी अपनी लोकल फसलें निकल कर आ जाएंगी बाजारों में, तो सब्जियां महंगी हो सकती है, लेकिन इन 10-15 दिनों में आप ये कहते रहिए उफ ये महंगाई, और कैसे भी बजट को संभाल लेंगे।